फिर से करो। आप सभी मित्रों को माँ कामाख्या ज्योतिष यूट्यूब चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, हम या आप, आपका परिवार या हमारा परिवार परेशान क्यों है? उसका एक कारण है कि अंग्रेजी स्टाइलिस्ट में हम और आप चले गए हैं। ये जो अंग्रेजी स्टाइलिस्ट है उसके अंदर चले गए हैं, और जो अंग्रेज करके गया था उसी को हम अपना लिए हैं। हम अपनी सभ्यता और सांस्कृति को भूल चुके हैं। हमें जो हमारी परंपरा है, हमारे बाप दादा का जो परंपरा है, सदियों से जो हमारे दादा परदादा कर आया है, उसको भूल चुके हैं और जो अंग्रेजी स्टाइलिस्ट है उसको पकड़ लिए हैं। दुख का कारण है, आपकी बेटी है या हमारी बेटी है या किसी की बेटी है, अंतर जाति में विवाह कर देते हैं, स्वजाति में नहीं करते हैं। स्वजाति चाहे कैसा भी है, अपनी जात बरादरी को छोड़ करके अन्य अन्य जाति में शादी कर देते हैं, या आपकी लड़की या हमारी लड़की जो है कहीं और जा करके और जो है अंतर जातीय में शादी कर लेता है। ये अंग्रेजी सभ्यता, यही जो है दुखों का कारण है। हमको अपनी मर्यादा में, अपनी संस्कृति में रहना चाहिए। अपनी देश की, अपनी मिट्टी का, अपने क्षेत्र का जो सांस्कृतिक है उसी को लेकर चलना चाहिए, उसी को करना चाहिए। विदेशी कल्चर को नहीं लाना चाहिए बाहरी। अब हम बिहार में है, अब मिथिलांचल में है, तो हम मिथिला का परंपरा करेंगे। मिथिलांचल के हिसाब से माँ भगवती की सीता जिस धरती की है उनका जो परंपरा है हमको वो करना चाहिए। हम बिहारी हैं तो हम बिहारी रहेंगे, हम पंजाबी नहीं हो जाएंगे, हम दिल्ली वाला नहीं हो जाएंगे। मित्रों, कितना पैंट शर्ट और कोट और टाई पहन लीजिएगा और दिल्ली में 50 मंजिल का मकान बना लीजिएगा, लेकिन बिहारी कहेगा आपको, लोग आपको बिहारी कहेंगे, आपको दिल्ली वाला नहीं कहेंगे। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप बिहारी हैं, बिहारी हमेशा रहेंगे। आपको पंजाबी, पंजाबी नहीं कहेगा, गुजराती, गुजराती नहीं कहेगा। सबका सांस्कृतिक सभ्यता अलग अलग है। तो हम इस धरती के हैं, मिथिलांचल के धरती के हैं, या आप उत्तर प्रदेश के हैं या कोई बंगाल का है, तो उनको अपनी परंपरा, अपनी दादा परदादा का जो रीति रिवाज है उनको लेके चलना चाहिए। आप हमेशा खुश रहेंगे, कभी भी दुख और संकट आपको नहीं आएगा। अगर आप अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़ करके दूसरे का कल्चर अपनाते हैं तो ये दुख जो है आपके ज़िंदगी में हमेशा लगा रहेगा। कितना भी प्रयास कर लीजिएगा, ये दुख खत्म होने वाला नहीं है। जब तक आप अपनी कल्चर में नहीं आइएगा तब तक जो है दुख आपको घेरा रहेगा। तो मेरा निवेदन है कि जो भी मित्र देख रहे हैं, जो भी हमारे शिष्य हैं, उससे निवेदन है कि आप अपनी परम्परा, अपनी मान मर्यादा और अपनी रीति में आइए, तभी आपका कल्याण होगा, नहीं तो कभी भी कल्याण आपका नहीं होगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ कामाख्या।